पे जाके जल्दी से अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और उसके बाद दोस्तों ऊपर सर्च का ऑप्शन आएगा तो प्रमोद राणा जल्दी से सर्च कर लीजिए, और वहां पर दोस्तों पॉलिटी चल रहा है, इसी के साथ साथ एमपी करंट अफेयर्स की आप सीरीज देख सकते हैं, मध्य प्रदेश की योजनाएं देख सकते हैं। अब आपको डेली दोस्तों शाम को 7:30 बजे मिलेगी, तो वहां पर जल्दी से आप फॉलो भी जरूर कर लें, जिससे हम कोई भी न्यू वीडियो डालें तो आप तक वो अपडेट पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, डेली दोस्तों आपको शाम को 7 बजे यहाँ पर एमपी जीके की सीरीज मिलेगी, तो आप डेली हमेशा दोस्तों 7 बजे जरूर आ जाया करें। और सभी को दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिए करें, और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी जरूर दबा दिया करें। बाई द केस बेल के आइकन से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता तो आप शाम को 7 बजे आके तो जरूर चेक कर लीजिए करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य को दोस्तों कैन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना से लाभ मिलेगा? क्या क्वेश्चन है दोस्तों? मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य को जो कैन बेतवा नदी है वो जोड़ने की परियोजना से लाभ मिलेगा? तो मध्य प्रदेश के अलावा दोस्तों किसको मिलेगा? उत्तर प्रदेश को मिलेगा। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के साथ दोस्तों सबसे ज्यादा सीमा कौन सा राज्य साझा करता है? यूपी ही करता है। और जो मध्य प्रदेश है ये दोस्तों 5 राज्यों की सीमा को छूता है। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश हो जाएगा पहला, इधर राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इसको दोस्तों मैंने ट्रिक के माध्यम से भी याद कराया था, गुम छवरा। किस क्या ट्रिक थी दोस्तों? गुम छवरा, यानी छवरा चारों तरफ घूम रहा था और गुम हो गया। तो गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान हो जाएगा। ये आप अच्छे से याद रखना, वो गुम छवरा नाम से ट्रिक थी, तो उसके माध्यम से आप आराम से याद कर पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घराना बाबा अलाउद्दीन खान से संबंधित है? क्या क्वेश्चन है? निम्न में से दोस्तों कौन सा एक घराना बाबा जो अलाउद्दीन खान है उनसे संबंधित है? तो ये दोस्तों कहना कौन सा घराना हो जाएगा? मेहर घराना हो जाएगा। और सबसे पुराना घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना। ये भी आप अच्छे से याद रखना। और जो ये मेहर घराना है ये बाबा अलाउद्दीन खान से संबंधित है, ये आप अच्छे से याद रखना है। इसको किसी भी तरह दोस्तों आप लिंक के माध्यम से जोड़ के याद रख सकते हो। जैसे अलाउद्दीन, मान लीजिए कोई भी अलाउद्दीन है, तो अलाउद्दीन कह रहा है कि मैं ही हूँ जो हूँ, क्या मैं हर जगह पे रहता हूँ। तो देखिए दोस्तों अलाउद्दीन क्या कहता है? मैं जो हूँ वो हर जगह पे रहता हूँ। तो मैं हर क्या हो जाएगा? मैं हर, यानी मैं हर जगह पे रहता हूँ। इसलिए दोस्तों मेहर घराने से किसका संबंध हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी का। ये जो लिंक दोस्तों आपको काम कब आएगी? जब आप एग्जाम में बैठे होंगे और आप जैसे ही पढ़ेंगे मैं हर, तो आपको नाम याद आएगा, अलाउद्दीन ही कहता था कि मैं हर जगह पे, तो आराम से याद हो जाएगा जो अलाउद्दीन खान का संबंध है वो कहाँ से है? मेहर घराने से है। ये आप अच्छे से याद रखें। तो इस तरह दोस्तों यदि आप कोई चीज़ एक लिंक को एक चीज एक जो एक चीज़ है उसके लिंक को दोस्तों दूसरे की लिंक से जोड़ पाएंगे तो आप आराम से चीज़ों को याद रख पाएंगे। और यदि आप सोचो कि कोई ट्रिक ऐसी बता दूँ जिससे मैं आपको एक पूरा गाना बता दूँ 3-4 लाइनों की, तो वो ट्रिक भी आप भूल जाओगे एग्जाम जब दे रहे होंगे और माइंड में बहुत प्रेशर भी रहता है। तो उस हिसाब से कोशिश कीजिए करें कि दोस्तों चीजों को आप लिंक के माध्यम से याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना में मध्य प्रदेश के साथ किस राज्य की भागीदारी हुई है? क्या क्वेश्चन है दोस्तों? एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना है, उसमें मध्य प्रदेश के साथ दोस्तों किस राज्य की भागीदारी हुई है? तो उसमें मध्य प्रदेश के साथ किस राज्य की? नागालैंड और मणिपुर की भागीदारी हुई है। किसकी दोस्तों? नागालैंड और मणिपुर की भागीदारी हुई है। किसकी हुई है दोस्तों? नागालैंड और मणिपुर की हुई है। ये आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी निकायों के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में दोस्तों द्वार द्वार कचरा संग्रहण प्राप्त करने के लिए दोस्तों मध्य प्रदेश भारत में कौन से नंबर का राज्य बन गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन है दोस्तों? शहरी निकायों के अंतर्गत जो सभी क्षेत्र हैं इनमें दोस्तों द्वार द्वार कचरा संग्रहण प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश जो है ये भारत में कौन से नंबर का राज्य बन गया? तो मध्य प्रदेश दोस्तों भारत में कौन से नंबर का राज्य बन गया? पहले नंबर का राज्य बन गया जो द्वार द्वार से दोस्तों घर घर जाकर क्या कचरे का संग्रहण करेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों, घर घर से ये कचरा उठाएगा। इसके लिए दोस्तों मध्य प्रदेश जो है ये भारत में सबसे पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सिंगल क्लिक पेंशन योजना डिलीवरी योजना किस महीने शुरू हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या दोस्तों?
मध्य प्रदेश में सिंगल क्लिक पेंशन योजना जो डिलीवरी है ये किस महीने शुरू हुई थी? तो ये दोस्तों कब है, अक्टूबर 2017 में शुरू हुई थी सिंगल क्लिक पेंशन योजना डिलीवरी। यानी सिंगल क्लिक से ही आप दोस्तों किसी के भी खाते में पेंशन योजना की डिलीवरी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसी होनी भी चाहिए, क्योंकि जैसा कि दोस्तों आप जानते हो सरकारी विभागों में आपको बहुत सी गड़बड़ियाँ सामने आती है, और गड़बड़ियाँ सामने आप ये मान के चलिए 10 से 20% ही आ पाती है, 80% तो पता अभी नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अपने भारत को डिजिटल तो करना होगा, जितना ज़्यादा डिजिटल होगा उतना ज़्यादा कंप्यूटराइज जमाना होगा, जितना ज़्यादा कंप्यूटराइज जमाना होगा उतनी चीज़ें गड़बड़ कम होगी, क्योंकि हर चीज़ कंप्यूटर के एक क्लिक पर जल्द से जल्द होगी। ऐसा नहीं है कि इस विभाग से उस विभाग फाइलें जा रही है, तो फाइलें जाएगी तो कहीं ना कहीं पैसा भी जाएगा, तो इसके लिए दोस्तों डिजिटल तो भारत को होना ही पड़ेगा, और हम जैसे नागरिक ही करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल में फतेहगढ़ किले का निर्माण किसने किया था? क्या क्वेश्चन है दोस्तों, भोपाल में जो फतेहगढ़ किला है इसका निर्माण किसने किया था? तो भोपाल में दोस्तों फतेहगढ़ किले का निर्माण किसने किया था? दोस्त मोहम्मद खान ने किया था। किसने किया था दोस्तों? दोस्त मोहम्मद खान ने किया था, ये आप अच्छे से याद रखना। तो दोस्तों मैं सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये प्रीवियस में एग्जाम्स में आ चुके हैं, यानी जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए ना उनमें जो प्रीवियस में क्वेश्चंस आ चुके हैं वही मैं करवा रहा हूँ, ये आप अच्छे से याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में, दोस्तों मध्य प्रदेश में बसदेवा गायक जो है ये डॉट 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 रंग के कपड़े पहने जाने के लिए जाने जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या मध्य प्रदेश में दोस्तों जो ये बसदेवा गायक है ये किस रंग के? पीले रंग के कपड़े पहने जाने के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों एमपी में मैं आपको बता दूं जो एग्जाम्स होते हैं उनमें कुछ क्वेश्चंस तो आपके ऐसे आएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। आखिरकार ये देख लीजिए, मध्य प्रदेश में जो बसदेवा गायक हैं वो किस रंग के कपड़े पहने जाने के लिए जाने जाते हैं, तो ये तो आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनके लिए आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आप अपनी पढ़ाई तो करते ही रहिए। तो मध्य प्रदेश में जो बसदेवा गायक है वो किसके? पीले रंग के कपड़े पहने जाने के लिए जाने जाते हैं, ये आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? क्या क्वेश्चन है? मध्य प्रदेश में दोस्तों जो ये जनजातीय संग्रहालय है ये कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय कहां पर? भोपाल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो तानसेन समारोह 2017 है ये दोस्तों मध्य प्रदेश के डॉट 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 महीने में आयोजित किया गया था। तो जो तानसेन समारोह 2017 है ये मध्य प्रदेश के दोस्तों किसमें? दिसंबर माह में आयोजित किया गया था, ये आप अच्छे से याद रखना। और जो दोस्तों तानसेन है ये ग्वालियर के बेहट में जन्म हुआ था। तानसेन जी का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर के बेहट में हुआ था। और जो दोस्तों तानसेन जी है ये एक संगीतकार थे, और इसी के साथ साथ तानसेन आप जानते हो जो अकबर था उसके दरबार में संगीतकार थे, और अकबर के दोस्तों नवरत्नों में से भी एक थे तानसेन। और आप कमेंट के माध्यम से बताइए तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है, जल्दी से बताइए दोस्तों तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, तो जो आप जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई पुरस्कार जो है ये महिला कलाकारों को डॉट 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 में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। क्या क्वेश्चन है? मध्य प्रदेश में दोस्तों जो ये देवी अहिल्याबाई पुरस्कार है ये महिला कलाकारों को किस फील्ड में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो महिला कलाकारों को दोस्तों आदिवासी लोक और पारंपरिक कला में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। किसमें दोस्तों? आदिवासी लोक और पारंपरिक कला में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, ये आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कांग्रेस विधायक राम सिंह यादव का निधन हो गया था, तो वह दोस्तों किसके नाम से जाने जाते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हाल में दोस्तों कांग्रेस विधायक राम सिंह यादव जी का निधन हो गया था, वह किस नाम से? दादाजी के नाम से जाने जाते थे। और इसी के साथ साथ जैसा कि दोस्तों आप जानते हो अटल बिहारी वाजपेयी जिनका ग्वालियर में जन्म हुआ, ग्वालियर में वो पढ़े लिखे थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड भी जितनी भी आपको जानकारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगे वो आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अब आगे के एग्जाम्स में के लिए इंपॉर्टेंट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में दोस्तों भारत भवन का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या भोपाल में, तो पहली बात तो याद रखना जो भारत भवन है ये कहाँ पर है, ये भोपाल में स्थित है। तो अब क्या क्वेश्चन है, भोपाल में दोस्तों भारत भवन का जो उद्घाटन है ये किस वर्ष हुआ था? तो भोपाल में भारत भवन का उद्घाटन किस वर्ष, 1982 में हुआ था। ये आप अच्छे से याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमपी जीके की सीरीज आपके सामने रखी है। अब इसी के साथ साथ मैं आपको अनअकैडमी पे बता देता हूँ आपको क्या है। जैसे ही आप दोस्तों अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करके सर्च करके हमारे साथ जुड़ोगे तो फिर आपको दोस्तों वहां पर दिख जाएगा प्रमोट्स फीड। क्या दिख जाएगा दोस्तों, प्रमोट्स फीड हो जाएगा। वहां पर आपको दिख जाएगा डेली आपको एमपी करंट अफेयर्स की सीरीज का, या फिर आप दोस्तों कोर्सेज पे क्लिक करके मध्य प्रदेश समसामी के यानी एमपी करंट अफेयर्स पे भी जाके देख सकते हैं। इसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी दोस्तों प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाके आपको सीरीज मिल जाएगी एमपी पुलिस मैराथन, तो वो भी आप जल्दी से देख लीजिए, जिसमें आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे एमपी पुलिस की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आशा करूंगा आपको ये जानकारी बहुत ही यूजफुल लगी होगी। दोस्तों जल्दी से वीडियोस को आप लाइक कर दीजिए, इसी के साथ साथ अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल का आइकन को जरूर दबाएं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।